अनंत सिंह के करीबी पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने साफ आरोप लगाया है कि बीजेपी को यह पच नहीं रहा था, बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक भूमिहार आरजेडी कोटे से मंत्री बने हैं। बता दें कि कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री बने थे आज से ठीक 18 दिन पहले, मगर उसके अगले ही दिन उन पर वारंट का जो केस था वह जारी हुआ और उसके बाद 24 घंटा पहले कार्तिकेय सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार सरकार में उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, मगर अब कार्तिकेय सिंह ने जिस प्रकार का आरोप लगाया है वह सीधे तौर पर भाजपा पे लगाया है कि भाजपा को एक भूमिहार मंत्री होने पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए ये तमाम बातें की गई है। भाजपा भी लगातार कह रही है कि एक मंत्री दागी नहीं है, और भी मंत्री दागी हैं। वहीं अभी जो बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह पर भी आरोप लगा रहे हैं भाजपा, और भी सुरेंद्र यादव जैसे नेताओं पर भी कई गंभीर और संगीन मामलों को लेकर लगातार घेर रही है। मगर जो कार्तिकेय सिंह के मामले में जो बातें निकल कर आई वह यह आई कि उनकी जमानत अब रद्द कर दी गई है, जमानत याचिका, और लगातार उनके वकीलों ने 70 मिनट तक वहाँ पर अपनी पक्ष को रखा, मगर जज ने इन तमाम बातों और मुद्दों को सुनते हुए फैसला लिया और उनकी जमानत रद्द, और अब उनको बेल कह सकते हैं कि अब उनको अरेस्ट होंगे पहले हुए और फिर पर वह जेल नहीं जाएंगे, अरेस्ट होंगे, उसके बाद फिर अब उनका बेल रद्द कर दिया गया है। अभी और भी अब यह मामला लंबा चलेगा, अब देखना है कि उचली अदालत में अब वो अपना बातें लेकर जाएंगे, वहाँ पर क्या कुछ होगा। मगर फिलहाल यह पूरी राजनीतिक सरगर्मियों से कार्तिक सिंह का मैटर भर गया है। अब भाजपा नेता अलग पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारी वजह से एक बाहुबली के करीबी मंत्री हट गए हैं नीतीश सरकार से, यानी कि बिहार सरकार से। वहीं कार्तिक सिंह ने वीडियो जारी करके ये तमाम बातें कही कि भाजपा का यह चाल चरित्र और चेहरा है, और लगातार वह कहते रहे हैं कि भाजपा अब यानी कि भूमिहार जाति को मंत्री बनना पसंद नहीं है। यह भूमिहारों में कितना मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा यह एक अलग विषय है, मगर फिलहाल बता दें कि इस बयान का तात्पर्य आगे जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, यानी कार्तिक सिंह जिसकी कैंडिडेट के तरफ से खड़ा हुए थे, अनंत सिंह ने खड़ा करवाया था, या वह खुद भी कहते रहे कि हम अनंत सिंह की वजह से यहाँ पर MLC बने और मंत्री बने हैं, राजनीतिक रूप से उन्होंने मुझे बढ़ाया है। अब जो मोकामा में जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, अब वहाँ पर क्या होगा, अब इस बात को लेकर कह सकते हैं कि वहाँ पर सहानुभूति साफ तौर पर बनाई जाएगी कि एक सीधे अगर कहें कि भूमियारों की नाराज़गी बीजेपी से वहाँ पर दिखाई जाएगी महागठबंधन के तरफ से, और यह उम्मीदवार वहाँ पर नीलम देवी खड़ी हो सकती हैं। जो सबसे बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन की ओर से अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर जदयू नहीं अड़ी, कई खबरें यह भी है कि ललन सिंह पत्ता काटना चाहते हैं अनंत सिंह का, उसी कारण से कार्तिकेय सिंह को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा, मगर ये पर्दे के पीछे की बातें हैं। मगर जो बातें निकल कर आई, समझ कर आई, वह साफ तौर पर यह आई कि भाजपा को मोकामा में विधानसभा उपचुनाव में वहाँ पर नुकसान देने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। अब ये बातें हैं कि कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा किसके कहने पर दिया, उनका साफ सोचना था कि जो सरकार की किरकिरी हो रही है उसके कारण, और लगातार जो बीजेपी के नेता हमलावर हो रहे हैं, अनंत सिंह के करीबी होने का लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसकी वजह से कार्तिक मास्टर इस्तीफा देते हुए नजर आए, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भूमिहार मंत्री पच नहीं रहा है भाजपा को। ये तमाम बातें थी बिहार से सियासत से जुड़ी हुई कार्तिकेय सिंह की, और यहाँ पर अब देखना यह है कि मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में इसका कितना फ़ायदा होगा। फिलहाल हम लगातार बिहार की राजनीति से सियासत की हर खबरें लाने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के मुद्दे से लेकर और भी जो देश विदेश के अहम मुद्दे और बातें रहते हैं हम वह लाने का प्रयत्न करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। आप देख रहे हैं झकास भारत, तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि अब तक खबरें जाते रहे, और YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जा रहा है खबरें, फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।